नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल 10 स्पीड अनबॉक्सर में एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग आज अपना जीएस का स्टैटिक जीके का मैं बीच बीच में एक एक टॉपिक बनाता रहता हूं। पहले हमने देखा कि नदियों के किनारे स्थित शहर, उसके बाद हमने देखा कि जो है प्रमुख बांध, उसके बाद हमने देखा कि जो है भारत की जनगणना। आज उसी टॉपिक में आज हमारा अगला क्रम है, आज हम देखेंगे कि भारत में परिवहन। परिवहन में मैं आपको डेली जो है एक एक टॉपिक बताऊंगा। आज का टॉपिक है हमारा जलमार्ग, फिर कल हमारा टॉपिक रहेगा राज मतलब कि बंदरगाह, और परसों हमारा टॉपिक रहेगा सड़क परिवहन। तो ये परिवहन हमारा टॉपिक इस समय चलेगा। तो सुबह के 8 बज गए हैं, आप लोग लाइव जल्दी जल्दी आ जाइए, ठीक है। रमेश गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आशीष, सुनीता, श्रेया, संजना, आकांक्षा गुड मॉर्निंग। आप लोग जल्दी जल्दी एक बार शेयर कर दीजिए, ठीक। आशीष गुड मॉर्निंग, डेली आपकी 7 बजे क्लास चलेगी, हाँ 7 बजे आपकी क्लास चलेगी, गुड मॉर्निंग। टाइम थोड़ा बढ़ा दीजिए, टाइम बढ़ाने का मतलब यह है कि अभी तो 7 बजे ही चलेगी, लेकिन जो है बीच में जो है कुछ दिन आप 7 बजे देख लीजिए, उसके बाद फिर हम देखते हैं, अगर मैनेज हो पाता है तो हम इसको 1 घंटे बढ़ा के 8 घंटे कर देंगे, तो 8 बजे कर देंगे, तो 8 बजे से आपकी क्लास चलेगी। तो ठीक पंकज गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं अपना जो हमारा राष्ट्रीय जलमार्ग है। राष्ट्रीय जलमार्ग आता किसके अंतर्गत है? मंत्रालय, आप सुने होंगे जहाज रानी मंत्रालय। तो जहाज रानी मंत्रालय जो होता है वो इसी के अंतर्गत, जो हमारा जलमार्ग होता है इसमें जो खर्च आते हैं इसको बनाने में या इसके विस्तार में जो भी खर्च आते हैं वो जहाज रानी मंत्रालय देता है। तो अब जैसे बात करें तो हम राष्ट्रीय जलमार्ग की जो शुरू में स्थापना की गई थी वो हमारी भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के द्वारा की गई। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण मतलब क्या हुआ कि अंतर्देशीय मतलब एक देश से दूसरे देश में भी, और जलमार्ग प्राधिकरण मतलब जल के द्वारा आवागमन, वही है हमारा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 27 अक्टूबर 1986 को हुई थी। ये जो है 1986 जो मानती है ये यूपीएससी मानती है, और कहीं कहीं आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है 1987, तो इसलिए आप परेशान मत होइएगा 86 या 87 में, 86 जो है चूंकि यूपीएससी इसको मानती है इसलिए मैंने 86 लिखा है। और इसका जो मुख्यालय है वो हमारा नोएडा में है। कहाँ पे है? नोएडा में है। आप मात्र 15 मिनट हमारे साथ रहिए, 15 मिनट में हम आपको पूरा मुख्य जितने भी हमारे जलमार्ग हैं वो सारे हम बता देंगे। अगर हम बात करें तो 2015 तक की, 2015 के पहले, 2015 के पहले या 2015 तक हमारे पास 5 जलमार्ग थे। कितने थे? 5 जलमार्ग थे। कौन? नेशनल वाटर वे। तो अगर हम कहीं NWW लिख रहे हैं तो उसका मतलब होता है नेशनल वाटर वे, राष्ट्रीय वाटर वे यानी कि राष्ट्रीय जल मार्ग। तो राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1, तो राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 जो है हमारा वो कहां कहां से लेकर के कहां तक है? तो 1620 किलोमीटर सबसे लंबा जल मार्ग है हमारा। कौन सा? नेशनल वाटर वे नंबर 1। कितना किलोमीटर? 1620 किलोमीटर। यह जो है भारत का सबसे लंबा जल मार्ग है। भारत का सबसे लंबा जलमार्ग कौन सा है? तो हमारा नेशनल वाटर वे नंबर 1 है, जो कि कहां से कहां तक है? ये हमारा गंगा नदी पर है। किस पर है? गंगा नदी पर बनाया गया है, जो कि कहां से कहां तक है? गंगा नदी पर बनाया गया है, और यह प्रयागराज से हंडिया तक है। प्रयागराज से चल के लेकर के हल्दिया तक है, ठीक। तो जो नेशनल वाटर वे नंबर 1 है हमारा वो प्रयागराज से हल्दिया तक का है, और भारत का सबसे लंबा जल मार्ग है, और गंगा नदी पर बना हुआ है, और इसकी लंबाई कितनी है? 1620 किलोमीटर है, ठीक ठीक ओके ठीक है।
आप लोग एक बार जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे जुड़ जाए। तो चलिए हम देखते हैं नेशनल वाटरवे नंबर एक में जो महत्वपूर्ण बिंदु था हमने सब बता दिया। पहला बिंदु था कि सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है, दूसरा बिंदु था 1620 किलोमीटर लंबा है, तीसरा पॉइंट हमारा था कि यह जो है गंगा नदी पर स्थित है। अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय जलमार्ग है जो हमारे पास राष्ट्रीय जलमार्ग है इसकी कुल लंबाई 14,500 किलोमीटर है। राष्ट्रीय जलमार्ग की जो कुल लंबाई है टोटल जितने भी राष्ट्रीय जलमार्ग है हमारे यहाँ इंडिया में उसकी कुल लंबाई 14,500 किलोमीटर है। सर जी आपका बाल स्टाइल में है? नहीं, स्टाइल का मतलब ये है लॉकडाउन चल रहा था इसी की वजह से जो है हमारे बाल बड़े हो गए, नहीं तो हमारे बाल छोटे छोटे थे पिछले वाले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं फिर आगे नेशनल वाटर वे नंबर दो। तो नेशनल वाटर वे नंबर दो जो था हमारा यह ब्रह्मपुत्र नदी पर था और 821 किलोमीटर लंबा है। कितना? 821 किलोमीटर, 891 होगा, 21 नहीं, 891 किलोमीटर लंबा है और ये जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है और ये जो है सादिया से लेकर के असम के सदिया, कहीं कहीं सदिया मिलता है कहीं कहीं सादिया मिलता है, तो आप ये जान लीजिए असम जान लीजिए, असम से चल करके डिब्रूगढ़ ठीक या धुबरी जिसको बोलते हैं क्या धुबरी तक है, असम से धुबरी तक है हमारा कौन सा नेशनल वाटर वे नंबर दो। उसके बाद देखिए नेशनल वाटर वे नंबर जो दो है इसी बंदरगाह इसी रास्ते में एक बंदरगाह पड़ता है जिसका नाम है पांडू बंदरगाह। एक बंदरगाह पड़ता है पांडू बंदरगाह जो सबसे बड़ा व महत्वपूर्ण बंदरगाह है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि नेशनल वाटर वे नंबर दो पर कौन सा महत्वपूर्ण बंदरगाह है, तो पांडू बंदरगाह है। आगे चलिए हम देखते हैं नेशनल वाटर वे नंबर थ्री। तो नेशनल वाटर वे नंबर थ्री जो है हमारा नेशनल वाटर वे नंबर थ्री NWW3 नेशनल वाटर वे नंबर थ्री यह जो है भारत का सबसे छोटा जलमार्ग है। भारत का सबसे छोटा जल मार्ग है। अगर क्वेश्चन बने कि भारत का सबसे छोटा जल मार्ग कौन सा है तो वो है हमारा नेशनल वाटर वे नंबर थ्री और ये 205 किलोमीटर लंबा है। तो नेशनल वाटर वे थ्री जो है वो हमारा सबसे छोटा बंदरगाह है और ये कोल्लाम से कोट्टापुरम तक है। कोल्लाम से कोट्टापुरम तक है, कोल्लाम से कोट्टापुरम तक है और सबसे छोटा जलमार्ग है हमारा कौन सा? नेशनल वाटर वे नंबर थ्री। इसी के बाद नेशनल वाटर वे नंबर जो फोर है, नेशनल वाटर वे नंबर चार जो है हमारा वो 1095 किलोमीटर लंबा है। कितना? 1095 किलोमीटर लंबा है। 1095 किलोमीटर लंबा है इसका मतलब कि दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? नेशनल वाटर वे नंबर फोर। यह दो भाग में है। पहला हमारा गोदावरी से भद्रचलन और भद्रचलन से राजमुंद्री, कहां तक? गोदावरी से भद्रचलन और भद्रचलन से राजमुंद्री ठीक। तो ये जो नेशनल वाटर वे नंबर फोर है, फोर में हमारा दो पार्ट है। पहला तो गोदावरी से भद्रचलन और भद्रचलन से राजमुंद्री जो कि गोदावरी नदी पर है और दूसरा जो है किस पर है? गोदावरी नदी पर है। कहां से कहां तक? भद्रचलन से राजमुंद्री तक। और दूसरा हमारा कृष्णा नदी पर है और कृष्णा नदी पर जो है वो कहां से कहां तक है? वजीराबाद से विजयवाड़ा। हाँ आशीष बहुत अच्छा सर, गुड, थैंक यू आशीष ठीक। तो कहां से दूसरा जो है हमारा किस पर है? कृष्णा नदी पर है। दूसरा हमारा कृष्णा नदी पर है और कृष्णा नदी पर जो है वो हमारा कहां से कहां तक है? कृष्णा नदी पर जो हमारा है वो वजीराबाद से विजयवाड़ा तक है। कहां से कहां तक?
वजीराबाद से विजयवाड़ा तक है, ठीक, वजीराबाद से विजयवाड़ा तक है दूसरा। तो ये था हमारा नेशनल वाटर वे नंबर 4। इसके बाद देखिए नेशनल वाटर वे नंबर 5, हमारा पांचवा राष्ट्रीय जलमार्ग, नेशनल वाटर वे नंबर 5। तो नेशनल वाटर वे नंबर 5 जो है हमारा, ये जो है 625 किलोमीटर है, कितना 625 किलोमीटर है, और ये भी दो भाग में है, एक तो हमारा महानदी पर बना हुआ है, एक हमारा महानदी पर बना हुआ है और दूसरा हमारा ब्राह्मी नदी पर बना हुआ है, एक हमारा महानदी पर बना हुआ है और दूसरा हमारा ब्राह्मी नदी पर बना हुआ है। और जो महानदी पर बना है वो मंगलगढ़ी से लेकर के पारादीप तक है, कहां से कहां तक, मंगलगढ़ी से लेकर के पारादीप तक है, मंगलगढ़ी से लेकर के पारादीप तक है। और जो दूसरा यानी कि ब्राह्मी नदी पर है वो हमारा जो है तलचर से चल के धामरा तक है, ठीक, तलचर से धामरा तक है जो दूसरा है ब्राह्मी नदी पर। तो ये हमारा था नेशनल वाटर वे नंबर 5। उसी के बाद 2017 में, ठीक, तो 2017 का मतलब कि ये हम मान लें कि 2016 और 17 में जहाज राजनीति मंत्रालय के द्वारा इसका विस्तार किया गया, और जब विस्तार किया गया तो कुछ और बंदरगाह बने और टोटल 111 बंदरगाह बन गए हमारे यहाँ, और जो मुख्य थे, मुख्य 6 बने और बाकी उस तरह 111 बंदरगाह हैं। तो छठवां क्या था, नेशनल वाटर वे नंबर 6। नेशनल वाटर वे नंबर 6 यह जो है सबसे नया राष्ट्रीय जलमार्ग है, सबसे नया राष्ट्रीय जल मार्ग। अगर क्वेश्चन बनता है कि हमारे यहां का सबसे नया राष्ट्रीय जल मार्ग कौन सा है, तो नेशनल वाटर वे नंबर 6 हमारा सबसे नया राष्ट्रीय जल मार्ग है। उसके बाद देखिए, और ये जो नेशनल वाटर वे नंबर 6 है ये कहां पे बना है, तो ये बराक नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर, बराक नदी पर बना हुआ है, किस नदी पर बना है, बराक नदी पर बना है, और ये भंगा से लेकर के लखीपुर तक है, कहां से, भंगा से लेकर के लखीपुर तक है, ठीक, भंगा से लेकर के लखीपुर तक है। सर भंगा कहां पे है, भंगा, भंगा जो है आपका वो असम में है, ठीक, भंगा आपका असम में है। तो ये चीज था हमारा कि जो राष्ट्रीय जलमार्ग थे, 6 राष्ट्रीय जलमार्ग है, आप लोग कॉपी बनाया कीजिए और डेली का डेली एक एक पॉइंट लिखा कीजिए। अगर आप पीछे वाला नहीं देखे हैं तो 4 क्लास हम और ले चुके हैं, आप चाहें तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं और चाहें तो जो है प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से देख सकते हैं। काफी क्लासेस आपकी चल रही हैं, आपके वाई सर के द्वारा मैथ चल रही है और रिचा मैम के द्वारा 6, 7, 8, 9, 10 की भी क्लास चल रही है, ठीक, और मैं जो है हिस्ट्री पढ़ा ही रहा हूँ, हिस्ट्री में भी आपका मुगल काल जो है चल रहा है इस समय। तो हाँ आशीष सर हिस्ट्री की लाइव क्लास नहीं चल रही, नहीं लाइव क्लास तो हिस्ट्री के भी नहीं चल रही है, लेकिन जो है उसे भी जल्द ही चलवाया जाएगा। तो आप लोग जो है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और 7 बजे जो है उपस्थित हो जाया कीजिए, ठीक। तो अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, नमस्कार। तो आप लोग जो है अगर हमारा वीडियो देख रहे होंगे तो सुबह जो है आपकी लाइव क्लास चलती है, आप आके देख सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।